और प्रेम से पुलिस परिवारों के साथ जो हमारे अपने परिवार हैं इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, उसमें कृपा पूर्वक पधारे हुए भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, एक बार और जबरदस्त तालियां बजा के अमित जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि ये केवल पुलिस के मकानों के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम नहीं होगा, हमारा स्नेह प्रेम और आत्मीयता भरा कार्यक्रम होगा। तो उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की कि मैं ज़रूर आऊँगा। आज वो पधारें, हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, प्रभारी मंत्री और नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी, डीजीपी हमारे पुलिस परिवार के प्रमुख सुधीर सक्सेना जी, पद्मश्री डॉक्टर जे एम व्यास जी, एनएफएसयू का कैंपस यहाँ बन रहा है, अजय कुमार भल्ला जी, राजेश राजौरा जी, उपेंद्र जैन यहाँ उपस्थित। क्योंकि ये पारिवारिक कार्यक्रम है इसलिए औपचारिकता छोड़ के मैं अनौपचारिक संबोधन कर रहा हूँ। प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अब विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं, दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। गर्व होता है आज देख के हमारे देश को, जिस स्थान पर भारत है आज पूरी दुनिया भारत की जयकार करती है। और ऐसे अपने देश की एकता, अखंडता और आंतरिक एकता को मजबूत करने के अद्भुत काम जिन्होंने किए हैं, विशेषकर नरोत्तम जी ने कई चीज़ें बताई हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को जैसे आतंकवाद से मुक्त करके और परस्पर संबंध प्रगाढ़ करके पूरी तरह से भारत के साथ एकात्म आज कर दिया है, सचमुच में गर्व होता है। ऐसे देश की एकता अखंडता के लिए काम करने वाले आदरणीय गृह मंत्री जी आज हमारे बीच में आए हैं और कार्यक्रम जैसा बता रहे थे अभी प्रेजेंटेशन में आपको, मैं एक बार 10-11 की बात होगी, 2010-11 मैंने अखबार में पढ़ा कि पुलिस के मकानों की बड़ी दुर्दशा है, तो जहांगीराबाद में बरसात के दिनों में, ऐसे दिनों में मैं उन मकानों का निरीक्षण करने चला गया। मकान क्या थे, बरसात में उनमें छाता लगाना पड़ता था, छत टप टप करके चूती थी, फूटे कबेलू थे, सीलन भरी हुई थी और छोटे छोटे दड़वे नुमा कमरे उनके हुआ करते थे। उन परिस्थितियों में हमारे कांस्टेबल, हमारे हेड कांस्टेबल, यहाँ तक कि एएसआई सब रहा करते थे। और तब मेरे मन में विचार आया कि हम कहते हैं पुलिस से अपराधियों को मारो, दुष्टों का दलन करो, परित्रणाएं साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों के लिए फूल से ज़्यादा कोमल रहो, दुष्टों के लिए वज्र से ज़्यादा कठोर हो जाओ, लेकिन खुद के रहने का ही ठिकाना नहीं है। जिन अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रह रहे हैं उसमें कैसे हम मानसिक रूप से मजबूत होकर बेहतर काम कर सकते हैं। और कई जगह किराए के मकान में रहते थे और किराया इतना कम होता था कि उसमें किराया पूरा थोड़ी पड़ता था, तो कई बार तो ये स्थिति थी कि हमारे कांस्टेबल झुग्गी झोंपड़ियों में किराए की कोई झोंपड़ी ले लेते थे। और तब मन में ये विचार आया कि हमारे पुलिस परिवारों के पास बेहतर और अच्छे मकान होना चाहिए, और उसी में से जन्म हुआ ये मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना का। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 25,000 मकान बनाने का लक्ष्य हाथ में लिया था, 25,000 मकान बनाएंगे, 12,000 के आसपास बन चुके हैं, बाकी जल्दी बनेंगे। लेकिन ये केवल 25,000 तक मकानों का निर्माण नहीं रुकेगा, आगे जैसे जैसे जरूरत होगी हम इन मकानों की संख्या लगातार बढ़ाते चले जाएंगे।
अभी हमने यहां देखा, हमें मिला है भरपूर मान, हमारा घर हमारी शान। घर अच्छा हो तो केवल पुलिस कर्मी का मनोबल नहीं बढ़ता, बच्चे अच्छी परिस्थितियों में रहते हैं, ढंग से अध्ययन करते हैं, घर का वातावरण भी ठीक होता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जितना काम बेहतर कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाने का है, उतना ही बड़ा काम पुलिस के परिवारों को अच्छे परिवेश में वो रहे इसका इंतजाम करने का है। और वो काम करके मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस की अनेकों उपलब्धियां हैं जिनके बारे में गृह मंत्री जी ने अभी विस्तार से बताया, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे गर्व होता है, ये बात सच है कि एक जमाना था तब चारों तरफ मध्य प्रदेश की ख्याति थी, केवल डकैतों के प्रदेश के रूप में, चंबल के बीहड़ में एक नहीं, अनेकों डाकू जिन पे कई जिनमें से कई के ऊपर तो फिल्में भी बनी। लेकिन ये मध्य प्रदेश पुलिस है, गर्व है मुझे कहते हुए। हमने टास्क दिया और कह दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब डाकू नहीं रहेंगे। तो मुझे अच्छी तरह याद है, एक साल के अंदर सारे सूचीबद्ध ग्रोह समाप्त किए थे, तो हमारे इन्हीं वीर जवानों ने समाप्त किए थे, तब से आज तक पनप नहीं पाए। ये बात भी सही है कि एक जमाना था जब सिटिंग जो मंत्री हुआ करते थे, नक्सलवादियों ने उनकी गर्दन काट दी थी। लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है, नक्सलवाद को समेट दिया है, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा का जो लगा हुआ इलाका केवल वही पिछले दो साल में 7 दुर्दांत नक्सलवादियों को ढेर किया है, तो हमारे इन पुलिस के जवानों ने किया है। अभी 3 पे तो लगभग 57 लाख रुपए तक का इनाम था। सिमी के नेटवर्क को भी ध्वस्त किया है, और सिमी के आतंकवादियों ने अगर ये हिम्मत की कि जेल तोड़ के बाहर निकलें तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाए, और भोपाल के पास ही एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए। दादा गुंडा बदमाश माफिया, वैसे ही मध्य प्रदेश शांति का टापू है। अब बहुत बड़े माफिया तो मध्य प्रदेश में मिलते नहीं हैं, लेकिन छोटे मोटे भी अगर कहीं मिले तो उनको भी नेस्त नाबूद मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया है। मुझे सचमुच में मध्य प्रदेश पुलिस की इन गतिविधियों पर, उपलब्धियों पर निश्चित तौर पर गर्व है, जिनके बारे में गृह मंत्री जी ने बताया। और मैं सचमुच में हमेशा आनंद से और गर्व से भरा रहता हूँ। इन उपलब्धियों के लिए बधाई। आपने ये किया तो हमारा काम था कि हम आपकी चिंता करें, इन परिवारों की चिंता करें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि केवल मकान नहीं, हमारे बेटा बेटियाँ बैठे और छोटे छोटे भांजे भांजी भी आए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में हमने योजना बनाई, अधिकारियों कर्मचारियों के बच्चों को 11वीं से लेकर उच्च शिक्षा तक ट्यूशन फी की प्रतिपूर्ति करने का हमने एक कार्यक्रम हाथ में लिया कि जिनको कांस्टेबल के बेटे हैं, हेड कांस्टेबल के बेटे बेटी हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना है, मेडिकल में जाना, इंजीनियरिंग में जाना और कहीं किसी उच्च शिक्षण संस्थान में एडमिशन होता है, तो उनकी फीस की प्रतिपूर्ति करने में सहयोगी है मध्य प्रदेश की सरकार। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वो बिल्कुल चिंतित ना हो, उनको बेहतर से बेहतर अच्छे कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं उस व्यवस्था के लिए फीस का इंतजाम करना मध्य प्रदेश सरकार की जवाबदारी है। किसी भी अधिकारी कर्मचारी, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन यह मध्य प्रदेश जिसने तय किया कि अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए अगर कोई हमारा साथी शहीद होता है तो हम 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उसके परिवार को देने का काम करते हैं। ना देना पड़े लेकिन होता तो यह मध्य प्रदेश सरकार देती है। लेकिन इसके अलावा हमने सेवानिवृत्ति के पश्चात भी 2 वर्ष की अवधि में अगर मृत्यु हो जाए तो 1 लाख रुपया जो स्वत्व है उनके भुगतान के अतिरिक्त देने का काम करते हैं। पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना मध्य प्रदेश में हमने बनाई है, जिसमें पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो अनुबंधित अस्पताल में कैशलेस इलाज की व्यवस्था की जाती है। नहीं तो कोई बड़ी बीमारी, भगवान ना करे हो जाए तो परिवार परेशान हो जाते थे। ऐसी अनेकों वेलफेयर की स्कीम्स अपने पुलिस परिवारों के लिए मध्य प्रदेश सरकार चला के
जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए दिनों रात खड़े रहते हैं, होली, दिवाली, रंग पंचमी, दशहरा, नवरात्रि, गणेश उत्सव, बाकी सब अपने परिवार के साथ मनाते हैं, लेकिन सब अपने परिवारों के साथ मना सके इसलिए अपने परिवारों से दूर रह के दिनों रात काम करके जो प्रदेश की जनता की सुरक्षा के काम में लगे रहते हैं, उनके लिए आखिर हमारे भी कोई कर्तव्य हैं। उनकी पूर्ति का ये विनम्र प्रयास मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और निरंतर वेलफेयर के इन कामों में मध्य प्रदेश सरकार लगी रहेगी, क्योंकि हम आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। हम एक ही परिवार हैं जो मिलकर साथ काम कर रहे हैं प्रदेश की समृद्धि और विकास के लिए, और इसलिए आज के कार्यक्रम में आप सबको एक साथ देखकर माननीय गृह मंत्री जी भी, माननीय अमित शाह जी भी प्रसन्न है। जब मैंने बताया कि परिवार आएंगे तो उन्होंने प्रसन्नता का प्रकटीकरण किया था, लेकिन आज एक और प्रसन्नता का विषय है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय गृह मंत्री जी आपको, मध्य प्रदेश में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस प्रारंभ हो रहा है। यह साधारण घटना नहीं है। जैसा भी बता रहे थे व्यास जी, हमारे विजनरी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और आदरणीय अमित भाई गुजरात के गृह मंत्री थे, तब उन्होंने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का अभिनव और राष्ट्र और जनहित से जुड़ा हुआ सपना देखा था, और वो सपना गांधीनगर में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर फलीभूत हुआ। और ये यूनिवर्सिटी ने इतनी ख्याति प्राप्त की कि अक्टूबर 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे नेशनल यूनिवर्सिटी घोषित किया और साथ ही राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का मानद दर्जा उन्होंने प्रदान किया। यह हम सबके लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का देश आभारी है कि आज NFSU केवल एकमात्र फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया की, और इस यूनिवर्सिटी में 62 कोर्स चल रहे हैं, और केवल भारत के नहीं 70 से अधिक देशों के विद्यार्थी और पुलिस अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, 70 देश। और मैं बहुत आभारी हूं आदरणीय अमित शाह जी आपका, भोपाल में आपने NFSU गांधीनगर का कैंपस स्थापित करने का फैसला किया। NFSU के भोपाल कैंपस में, जहां हमारे और हमारे बच्चे भी सोच सकते हैं, जहां हमारे बच्चे और थोड़े नहीं अलग अलग विषयों में हजारों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने कैरियर का चयन कर सकेंगे फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट के रूप में, वहीं हमारे प्रदेश के पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी, अभियोजक, न्यायाधीशों द्वारा भी इस कैंपस में फॉरेंसिक साइंस की विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुकेगा। अभी 4 कोर्स प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन इसके बाद लगभग 20 कोर्स और प्रारंभ होने वाले हैं। अब इसके कारण 2 वर्षों में हमारा ये पूरा परिसर बन जाएगा, और इसके कारण आगामी वर्षों में साइबर सिक्योरिटी, फॉरेंसिक नैनो टेक्नोलॉजी, क्राइम सीन मैनेजमेंट, डिजिटल फॉरेंसिक, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी आदि के डिप्लोमा, डिग्री और PhD के कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे। सचमुच में एक बड़ी उपलब्धि है ये मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए भी। इसके लिए मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। अभी जब व्यास जी से बात हो रही थी तो उन्होंने भोपाल कैंपस के लिए कुछ अतिरिक्त जमीन की मांग की थी। मध्य प्रदेश सरकार जितनी जमीन की आवश्यकता होगी व्यास जी निश्चित तौर पर इस कैंपस के लिए देने का काम करेगी। NFSU के भोपाल कैंपस में DNA प्रोफाइलिंग, साइबर सिक्योरिटी आदि की लैब स्थापित हो जाने के बाद उक्त सुविधाओं का राजहित में उपयोग करने के क्रम में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा NFSU भोपाल कैंपस से हम MOU भी करेंगे। रतलाम और रीवा में 2 नई रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ताकि वैज्ञानिक विवेचन और एविडेंस के माध्यम से हम अपराधियों को सजा दिला सकें। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के सपने को साकार करने में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ये अपना संकल्प व्यक्त करता हूं। और NFSU के भोपाल कैंपस को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैंपस डेवलप करने में अपनी भूमिका का पूरी निष्ठा से मध्य प्रदेश सरकार निर्वहन करेगी। एक बार फिर आज भोपाल पधारने पर और भोपाल में भी हम पुलिस परिवार के बीच पधारने पर माननीय गृह मंत्री जी आपका फिर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपनी ओर से 8 करोड़ जनता की ओर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन है कि आप रिमोट के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में निर्मित भवनों का लोकार्पण तथा बनाए जाने वाले भवनों का शिलान्यास करें। आदरणीय देवी सज्जनों, जहाँ जहाँ ये लोकार्पण हुआ है वहाँ सभी जगहों पर इस समय कार्यक्रम चल रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि, पुलिसकर्मी और उनके परिजन मौजूद हैं, वे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इंदौर की ये तस्वीरें थीं, ये जबलपुर की तस्वीरें हैं। माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और अभिवादन कर रहे हैं। आइए हम और आप भी इस अभिनंदन और अभिवादन में अपनी शिरकत करें, शामिल हों और हर्ष को व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मध्य प्रदेश पुलिस के 10 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधोसंरचना को आधुनिक बनाया गया है। इसी के तहत 10 डिजिटल स्टूडियो सहित 50 स्मार्ट क्लासरूम्स प्रदेश भर में बनाए गए हैं। इन अत्याधुनिक क्लासरूम्स के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद विषय विशेषज्ञों द्वारा ट्रेनीज को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अब हम माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के स्मार्ट क्लासरूम्स का रिमोट के माध्यम से शुभारंभ करने का कष्ट करें। आदरणीय देवी सज्जनों, प्रदेश के इन सभी 10 प्रशिक्षण संस्थानों के कैडेट्स ट्रेनीज स्मार्ट क्लासरूम के माध्यम से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आभार और अभिवादन के तौर पर तालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह मंत्री जी से अब विनम्र आग्रह है कि आप राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के शिलान्यास से पूर्व शिला पूजन करने का कष्ट करें। श्री गणेशाय नमः। इंद्रो वृद्धश्रवा पूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ते लक्ष्मीश्च पत्न्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमग्रे नाप्यमीखान ॐ मैखाण ॐ ओम गणानांत्वा गणपति गुम्भवामहे प्रियानांत्वा प्रियपति गुम्भवामहे निधिनांत्वा निधिपति गुम्भवामहे वसो मम आहम जानि गर्भदमा त्वम जासि गर्भदम्मा ओम अम्बे अम्बिके नमानेति कश्चन स सत्यश्वकः सुभद्रिकां काम्बिलवासिनीम् ओम स्वस्ति स्त्रिया विनाशाक्ष धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्य त्वाम चि स्वस्ति ब्रुवन्तु ना हरि मरकट मरकट मंत्र मिमं परे लिखत लिखत वाम तले यदि नश्यति नश्यति शत्रु दलम यदि मंचति मंचति वामलता हरि हर मरकटाय नमो नमः यम 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 चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्या प्रीत प्रभो मद गृहे धन्यादि समृद्धि कुरु सर्वदा या श्री स्वयं सुकृतिनं भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनं कृतदियं हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतं कलजनं प्रभवस्य लज्ज
बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप रिमोट के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करें। आदरणीय देवी सज्जनों, भोपाल में बनने जा रहे राष्ट्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर के पूरे प्लान को लेकर हमने एक वॉक थ्रू बनाया है। अब ये वॉक थ्रू हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इस विश्वविद्यालय परिसर में कौन कौन सी सुविधाएँ होंगी और यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थी किस माहौल में रहेंगे। आइए देखते हैं ये छोटा सा वॉक थ्रू। एक ऐसी अप्रतिम और सुंदर जगह जहाँ सभी की ऐसी इच्छा हो रही होगी कि हम भी अपने ज्ञान को परिमार्जित करने के लिए एक बार फिर से इस कैंपस में पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद।